नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहाँ हर निवाले पर मुँह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। सह प्रायोजक है टाफ्री स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफ्री स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स टावर चौक अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज किराना ड्राई फ्रूट कटलरी क्रॉकरी कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल आपका विश्वासी, हमारी पहचान, वाशिंग बाईपास बारापुर रोड अकोला। सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाखा मरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिक्र, न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद सबसे अच्छा वेज मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट खंडेलवाल भवन के सामने अकोला। बायोलॉजी क्लास टीम सर्वधर्म सद्भावना सम्मेलन का सफल आयोजन। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और विश्व शांति महायज्ञ प्रारंभ। और नाचू कीर्तनाचा रंगी कीर्तन महोत्सव को श्रद्धालुओं का उत्स्फूर्त प्रतिसाद। अब समाचार विस्तार से। सद्भावना, भाईचारा, प्रेम भाव से आपस में बर्ताव करना हमारी पहचान है। हम इन स्वभाव धर्मों से अगर दूर चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हम हमारी पहचान खो रहे हैं। इस उद्देश्य को संज्ञान में लेकर हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहना होगा, इसी में हमारे सर्वधर्म समभाव की जीत है। ये स्वर गुरुवार सायंकाल को अकोला पुलिस विभाग की ओर से आयोजित सर्वधर्म सद्भावना सम्मेलन में उपस्थित मान्यवरों के रहे। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनकी संकल्पना से इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लॉन में सायंकाल 5 बजे किया गया था। कार्यक्रम में सभी धर्मों के प्रमुखों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए शांति, प्रेम, भाईचारा, सद्भावना का संदेश दिया। सभी धर्मों के प्रमुख एक ही मंच पर इस समय उपस्थित थे। सभी ने अपने वक्तव्य में प्रेम भावना का संदेश देते हुए उपस्थितों को मार्गदर्शन किया। पुलिस विभाग ने सभी मान्यवरों का स्वागत किया। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर युवा पीढ़ी की कट्टरता नजर आ रही है। कट्टरता के रास्ते पर दिशाहीन हो रही युवा पीढ़ी को सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। ये प्रतिपादन कार्यक्रम की संकल्पना रखने वाले तथा इस सर्वधर्म सद्भावना सम्मेलन के आयोजक जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने अपने प्रास्ताविक में किया। उन्होंने कहा कि आयोजन का उद्देश्य सभी जाति धर्मों के लोगों को आपस में प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। वर्तमान समय में हम जो वातावरण देखते हैं, ऐसे समय हमें और भी सचेत रहना होगा। विशेषकर युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भावनाओं को उजागर कर रही है, इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, इसे नियंत्रण में रखने की जरूरत है। ये गंतव्य श्री जी श्रीधर इन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कोरोना संक्रमण काल में सभी लोग ऑक्सीजन के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। इस आपदा में पुलिस ने भी अपना सब कुछ समाज की मदद के लिए झोंक दिया। ऐसे समय लोग पुलिस और आरोग्य सेवाओं को ईश्वर का सम्मान दे रहे थे, लेकिन समय बदलते ही लोगों की मानसिकता किस तरह बदल जाती है, इसका आश्चर्य होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें प्रेम भावना से रहना होगा। युवा पीढ़ी भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। सर्वधर्म संभावना सम्मेलन में मुफ्ती गुफरान, मुफ्ती अब्दुल रशीद, फादर मोसेस वानखड़े, गुरुद्वारा के मल्होत्रा भंते धर्मानंद, हाजी मुद्दाम, शेख गुरुजी समेत आमंत्रितों में कई मान्यवर उपस्थित थे। इसमें पूर्व राज्य मंत्री अजहर हुसैन, पूर्व पार्षद साजिद खान पठान, मोहम्मद इरफान, महावितरण के पवन कुमार कछोट, विजय
61, सीईओ सौरभ कटियार, पुलिस विभाग के अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम समेत शहर के सभी पुलिस स्टेशन के प्रमुख इस आयोजन में उपस्थित थे। आयोजन के पश्चात उपस्थित मुस्लिम बांधवों के लिए जिला पुलिस विभाग द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने इफ्तार पार्टी में शामिल होकर सद्भावना का संदेश दिया। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम समेत शहर के सभी पुलिस अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इंटॉलरेंस का प्रमाण काफी कम हो गया, इंटॉलरेंस बढ़ गया, मतलब हर छोटे छोटे चीज को लेकर तुरंत नाराज होना, तुरंत बताना नहीं ये ऐसे है वैसे है, तुरंत एकदम ये हो ऐसे टाइप होना, और आजकल ये ट्रेंड हो गया। हम हमारा समाज का कट्टर है, भी हिंदू है, मुसलमान हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, एक ट्रेंड हो गया हम कट्टर है। लेकिन मुझे मालूम नहीं वो कट्टर बोलने से उनको क्या फ़ायदा, क्या क्या डेवलपमेंट को लेकर क्या उसमें फ़ायदा है, मुझे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एंड ऐसे सिचुएशन को कुछ लोग उनकी अगेन जैसे मैंने बोला वैयक्तिक फ़ायदा के लिए उसको यूज़ करना चाहता है, सो इट इज़ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रशासन की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, जैसे कुछ लोक प्रतिनिधि इधर आया है, सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कुछ सिचुएशन है किसी को फायदा के लिए वो यूज नहीं होना चाहिए, उसका जवाबदारी हमारा रहना चाहिए रहेगा। श्री 1008 मदिनेन्द्र महावीर जिन बिंब एवं इंद्रस्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और विश्व शांति महायज्ञ का 21 अप्रैल को गर्भ कल्याणक महोत्सव से प्रारंभ हुआ। इस शुभ दिन सर्वप्रथम मंदिर जी में देवाज्ञा गुरु आज्ञा होने के बाद घट यात्रा एवं श्री जी की यात्रा श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर कौलखेड़ से प्रारंभ होकर नगर परिक्रमा करते हुए कार्यक्रम स्थल ज्ञान दर्पण इंग्लिश स्कूल प्रांगण न्यू खेतान नगर जिसे अभी कुंडलपुर नगरी का नाम दिया गया है वहां पर पहुंची। इस स्थान पर सर्वप्रथम पंच कल्याणक महोत्सव के ध्वजारोहण का कार्यक्रम लिया गया। ध्वजारोहण का सौभाग्य अखिल भारतीय सैतवाल जैन संस्था के अध्यक्ष दिलीप घेवारी मुंबई इन्हें प्राप्त हुआ। शोभा यात्रा में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान को धारण कर सिर पर कलश लेकर ये शोभा यात्रा निकाली थी। मंडल पंडाल उद्घाटन का सौभाग्य राजकुमारी महावीर बिलाला परिवार अकुला इन्हें प्राप्त हुआ। उसके उपरांत मंडल पर मंगल कलश स्थापना का सौभाग्य डॉक्टर प्रशांत मुलावकर और उनकी धर्मपत्नी उत्पला मुलावकर को प्राप्त हुआ। साथ ही दीप प्रज्वलन का सौभाग्य श्रीमान इंद्र कुमार गिलरकर एवं इस पूजन द्रव्य के पुण्य अर्जक कौशल्या श्रीपाल बिलाला परिवार इस कार्यक्रम के प्रतिष्ठाचार्य के रूप में कोलकाता से पधारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित कमल कुमार को ये प्रतिष्ठा महोत्सव विधि पूर्वक संपन्न करने के लिए आचार्य निमंत्रण दिया। परम पूज्य वात्सल्य शिरोमणि मुनि श्री 108 विशेष सागर जी गुरुदेव के मंगल प्रवचन हुए। इसमें गुरुदेव ने कहा कि पंच कल्याणक का प्रथम सोपान है गर्भ कल्याणक। गर्भ ऐसा सुरक्षित स्थान है जहाँ पर आत्मा को धक्का न लगे, जीव सुरक्षित रहे। माँ के संस्कार, माँ का आचरण जैसे होता है वैसे ही संस्कार गर्भस्थ शिशु पर पड़ते हैं। मरण के बाद जन्म के पूर्व कुछ समय विश्राम का स्थान है। यहाँ गर्भ के साथ कल्याणक शब्द जुड़ा है। तीर्थंकर बालक के गर्भ में आने के 6 मास पूर्व ही सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर राजमहल की आंगन में तीनों समय दिव्य रत्नों की वर्षा तीर्थंकर बालक के जन्म पर्यंत कुल 15 माह तक करते हैं, ऐसी बात कही। कीर्तन एवं सत्संग ये सामाजिक परिवर्तन लाने का माध्यम रखता है। परिवर्तन एवं बदलाव करने की ताकत केवल कीर्तन एवं सत्संग में है। इस सत्संग कीर्तन की सर्वप्रथम सजग प्रहरी ये सही मायनों में युवा शक्ति होनी चाहिए। आज का युवा मन शांति के लिए भटक रहा है और उसे मन की शांति जीवन में जीने का सुकर मार्ग कीर्तन के माध्यम से ही मिल सकता है। युवा शक्ति की कीर्तन में उमड़ी भीड़ ये समाज परिवर्तन का संकेत होने का हितोपदेश हरिभक्त परायण मोहन महाराज मारवाड़ी ने किया। कोरोना काल में मन को खिन्न करने वाली अनेक घटनाएं सभी को दिखाई दी या उसके साथ घटित हुई है। इन निराशाओं से बाहर निकलने के लिए सार्वजनिक वारकरी कीर्तन महोत्सव की ओर से इस कीर्तन उत्सव का आयोजन किया गया है। सार्वजनिक वारकरी कीर्तन महोत्सव समिति की ओर से स्थानीय जवाहर नगर के संभाजी पार्क में कीर्तन महोत्सव प्रारंभ हुआ है। इस कीर्तन के प्रथम पुष्प हरिभक्त परायण मारवाड़ी महाराज इन्होंने अर्पण किया है। उन्होंने आगे कहा कि समाज में संस्कार धूमिल हो रहे हैं, कीर्तन एवं सत्संग के माध्यम से संस्कार का सुयोग्य बीजारोपण युवा में हो, इस उद्देश्य से आयोजित ये उपक्रम
प्रशंसनीय होने का मत हरिभक्त परायण मोहन महाराज मारवाड़ी इन्होंने व्यक्त किया। समाज आज सुशिक्षित हो रहा है, लोगों के पास पैसा आया है, चरित्रवान स्त्री और पुरुष की गिनती भी राष्ट्र में हो रही है। ये सब इसी गुण मिट्टी का कमाल है। इस मिट्टी का श्रेष्ठत्व पुराण में भी उल्लेखित है। जिस देश में गंगा बहती है वह देश श्रेष्ठ है। देश में दो गंगा ने अवतरण लिया है, एक भागीरथ ने इस पृथ्वी पर गंगा को लाया एवं दूसरी शुक्राचार्य के माध्यम से आई। एक गंगा अंगुष्ठ से निर्माण हुई तो दूसरी मुख से। इसलिए देश में विचारों को महत्व होने की बात उन्होंने मुख के संदर्भ में कही। आज कचरे की वजह से गंगा कलुषित और अपवित्र हुई है। दूसरे देश में नदियों को केवल नदी कहा जाता है, किंतु हमारे देश में नदी को माता का दर्जा है। इसके बावजूद भी हम गंगा एवं सभी नदियों को गंदा कर रहे हैं। जहां माता ही नहीं कहा जाता, वहां की नदियां पवित्र और स्वच्छ है। इसलिए सभी नदियों को नए सिरे से स्वच्छ करने का आह्वान हरिभक्त परायण मोहन महाराज मारवाड़ी इन्होंने किया। सर्वप्रथम हरिभक्त परायण मारवाड़ी महाराज का मनपा के पांडे अविनाश उर्फ भैया साहब देशमुख ने स्वागत किया। संचालन शरद ढगे ने एवं व्यवस्थापन सागर कावरे एवं संपूर्ण टीम ने किया। 26 अप्रैल तक जवाहर नगर परिसर में राजे संभाजी पार्क में रात 8 से 9:30 बजे तक आयोजित इस कीर्तन उत्सव का लाभ लेने का आह्वान सार्वजनिक वारकरी कीर्तन महोत्सव समिति की ओर से किया गया है। कुत्रा झाला तो कुत्रा गेला पुन्हा वापस, पुन्हा 1.5 महिन्याच्या नंतर कुत्रा पळत आला, त्याला विचारलं काय, म्हटले वाघ पाठीमागे लागला। महात्मा म्हटला आता टेन्शनच दूर करतो तुझं, एका मिनिटात कुत्र्याचा वाघ केला, 2 महिन्याच्या नंतर वाघ पुन्हा पळत होता। आता ऐकण्यासारखं आहे, 2 महिन्याच्या नंतर पुन्हा वाघ पळत होता। महात्म्याला त्याला विचारलं, म्हटलं अरे बाबा आता वाघ झाला ना, तो म्हणे पाठीमागं वाघ लागला। म्हटलं मूर्ख आहेस लय, अरे तू वाघ आहेस, तुझ्या पाठीमागं वाघ लागला का घाबरतो? तो म्हणे महाराज खरं सांगू, तुम्ही पहिल्यांदा उंदीर होतो, बोकोबा केलं, बोकोबा होतो कुत्रा केलं, कुत्रा होतो वाघ केलं, तुम्ही शरीर बदललं म्हणे महाराज, हृदय अजूनही उंदराचं आहे। काय म्हटलं, शरीर बदललं पण हृदय अजून उंदराचं आहे। मला असं वाटतं शरीरानं वाघ होऊन फायदा नाही, आतून वाघ झाले पाहिजेत माणसं। आणि वारकरी संप्रदायाचं कार्य तेच आहे महाराज, आम्हाला कीर्तनामध्ये बसलेल्या प्रत्येक माणसाला। रामदेव बाबा श्यामदेव बाबा सेवा समिति मारवाड़ी सम्मेलन और विश्व हिंदू महासंघ की संयुक्त तत्वावधान में हनुमान जन्मोत्सव पर सामूहिक सुंदरकांड का पठन किया गया। सालासार सत्संग मंडल के माध्यम से मंडल की ओर से इस सुंदरकांड के साथ ही 811वां संगीतमय सुंदरकांड की प्रस्तुति की गई। इस उत्सव का प्रारंभ विधायक गोर्धन शर्मा, विधायक वसंत खंडेलवाल, ब्रिजमोहन चितलांगी, निखिल गुप्ता, राजकुमार शर्मा, उत्सव के मुख्य यजमान बनवारी लाल बजाज, श्याम बाबा मंदिर के अध्यक्ष रमेश टेकलीवाल, नंदकिशोर गोयनका, दीपक गोयनका, सतीश गोयनका, संतोष गोयनका, नेहा पल्सेस, ओम प्रकाश गोयनका, गजेंद्र साडा आदि की उपस्थिति में किया गया। सालासर सत्संग मंडल के समूहन के 811वें सुंदरकांड की प्रस्तुति से परिसर भक्तिमय हो उठा। साथ ही महानगर से विविध परिसरों से पधारे 151 युगलों ने सामूहिक सुंदरकांड के पठन में सहभाग जताया। इस सुंदरकांड में सहभागी होने वाले नागरिकों को समिति की ओर से पुस्तक का वितरण किया गया। इस अवसर पर राजेश चौधरी भरतपुर, राजेश छाजेड़, एडवोकेट सुरेश अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल, अमित केडिया, कमल किशोर अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, चितरका विश्वनाथ सुरेखा, प्रदीप रांदड़, पुरुषोत्तम श्रावगी, एडवोकेट गणेश परियाल, विजय बियानी, केशव पोद्दार, अश्विन शर्मा, शिवम शर्मा, विदुर शर्मा, डॉक्टर प्रियेश शर्मा के साथ ही बहुसंख्यक महिला पुरुष नागरिक शामिल हुए। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। कर बचन दूत सिवारी समय विचारी
अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू, सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। सह प्रायोजक है ताफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक, अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए ताफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स टावर चौक अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज किराना ड्राई फ्रूट कटलरी क्रॉकरी कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल आपका विश्वासी, हमारी पहचान, वाशिंग बाईपास बारापुर रोड अकोला। सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिकर न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद सबसे अच्छा वेज मसाला, वेज फैमिली रेस्टोरेंट खंडेलवाल भवन के सामने अकोला। बायोलॉजी क्लास टी मीट बी ए डॉक्टर बाय अ डॉक्टर स्मार्ट विद ड्रीम फिनिश विद फ्यूचर फ्यूचर बायोलॉजी क्लासेस कैमरे मार्केट अकोला। एम बी परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखे ख्याल आपके स्वास्थ्य का, तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में एम बी परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। शगुन कैटर्स, शादी ब्याह हो, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी या हो गेट टूगेदर, सबके लिए बेहतर शगुन कैटर्स, अन्नपूर्णा माता मंदिर रोड शेगांव बाईपास। सर्वधर्म सद्भावना सम्मेलन का सफल आयोजन, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और विश्व शांति महायज्ञ प्रारंभ, और नाचू कीर्तनाचा रंगी कीर्तन महोत्सव को श्रद्धालुओं का उत्स्फूर्त प्रतिसाद। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन, अपना चैनल अपनी बात।